आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कॉपी पेस्ट की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, और इससे आप कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब के थ्रू एक अच्छी खासी अमाउंट की अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों, कॉपी एंड पेस्ट की बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाती हैं, जहाँ पर अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब पर कि हम कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से पैसा अर्न करें, तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। पर जो स्ट्रेटजी आप मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी है, और इससे आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, एक अच्छी खासी अमाउंट की अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी कौन सी होने वाली है, वो क्या तरीका है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करके देखते हो सकता है कि आप इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, वो आप मिस कर दो। तो चलिए वीडियो में आगे बनते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बनने से पहले बता दूं कि अगर आप गूगल यूट्यूब पर ये सर्च करते रहते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए कॉपी पेस्ट करके, और आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है जिससे आप पैसे अर्न कर पाओ, तो इस वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और आप घर बैठे कॉपी पेस्ट के थ्रू अच्छी खासी अमाउंट गेनिंग करने वाले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेट होता हूं मैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। YouTube पर हम चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, YouTube पे आपको सर्च कर लेना है क्यूट बेबीज कैट्स, और यहाँ पर अगर आप व्यूजर्स देखोगे तो सबके करोड़ में व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। 8.9 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, 21 करोड़, वो 8.1 लाख, 94 लाख, 20 लाख, 3 मंथ्स में 3 करोड़ व्यूज़, 9 डेज में 2.2 लाख व्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल है एनिमल्स कॉर्ड्स करके, एंड इसका व्यूज़ देख सकते हो। तो इस तरीके के वीडियोस बना के आप किस तरीके से पैसे जनरेट करोगे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको pixels.com करके सर्च कर लेना है। वहाँ पर आपको वीडियोस में जाना है और सर्च कर लेना है क्यूट बेबी कैट्स। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ क्यूट बेबीज कैट, यहाँ पर आपको ऊपर शो हो रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस तरीके से सर्च करना है क्यूट बेबीज कैट्स, और आपको यहाँ पर ये सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे वीडियोस आ गई हैं बेबी कैट्स की, तो यहाँ से आप किसी भी एक बेबी कैट की वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि एक वीडियो है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, देन इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री डाउनलोड वाला ऑप्शन है, एंड ये यहाँ से जैसे इसका पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता है तो आप सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके का ये वीडियो है और आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड पे लगा देता हूँ, तो ये डाउनलोड होने लगी है अब ये। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड जब होने लगेगी तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके सामने, यहाँ से ये वीडियो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ऊपर हो चुकी है मेरी, यहाँ से अब जैसे ये वीडियो डाउनलोड होती है उसके बाद का प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना काइनमास्टर ओपन करना है। यहाँ पर आपको जिस भी आप रेशो में वीडियो बनाना चाहते हो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं 1:1 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके आगे कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने वीडियो डाउनलोड करी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये एक वीडियो है जो 13 सेकंड्स की वीडियो है, आपको सिंपली इसे कर लेना है, और यहाँ पे इसको आपको क्रॉप कर लेना है, यानी कि आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको जूम कर लेना है, और यहाँ इक्वल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ, तो इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये अब एक्यूरेट जो है एक साइज़ में हो चुकी है। अब यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस क्या है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वीडियो प्ले होने लगेगी। यहाँ पर अब आपको इसमें जो साउंड आपको अगर देखने को मिल रहा है, अगर इसमें अंदर कोई साउंड है तो आपको इसके साउंड को म्यूट कर देना है। साउंड को किस तरीके से म्यूट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिख देना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूट, तो क्यूट करके उसके बाद आप थोड़े एक दो इमोजीज लगा देना है यहाँ पर, जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जो यहाँ पर मैं एक अच्छी सी इमोजी देख के लगा देता हूँ, तो यहाँ से ये वाली इमोजी थोड़ी सी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे इमोजी लगा के आपको सिंपली से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है साइज़ इसका, एंड यहाँ पर आपको नीचे इसको इस तरीके से लगा देना है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि वेरी क्यूट, तो वेरी क्यूट करके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाली फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। यहाँ पर आप इसकी जो है जो आउटलाइन भी इसमें लगा सकते हो आप अपने हिसाब से, तो यहाँ से आप आउटलाइन भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप शैडो भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, शैडो इनेबल कर देते हैं जैसे कि, तो यहाँ पर हम शैडो भी इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का जो शैडो है वो अच्छा लगे तो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने मन से
जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है इसकी बैकग्राउंड जो है आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं, पर मैं लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है तो मैं फुल विद बैकग्राउंड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर फुल बैकग्राउंड जो है आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से वीडियो जो है हमारी टेक्स्ट जो है तैयार हो चुकी है। अब आपको टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है पूरी वीडियो में इस तरीके से। तो हमने ये पूरी जो है टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको यहाँ पर एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी सॉन्ग आपको, जो भी सॉन्ग अच्छा लगे आप वो वाली एक सॉन्ग यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली सॉन्ग अच्छी है, या आप कोई सी और सॉन्ग भी लगा सकते हो, जैसे कि ये स्पेनिश मोस। आप अपने YouTube स्टूडियो से कोई भी एक सॉन्ग डाउनलोड करेंगे विदाउट कॉपीराइट, उससे यहाँ पर आप लगा देंगे। तो जैसे कि मैं ये नीचे से ये वाली लगा देता हूँ, ये तो उतनी खास नहीं है, ये वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे प्ले कर लेते हैं। अब ये सॉन्ग के साथ जब ये वीडियो प्ले हो रही है तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ को म्यूट कर देना, अगर बैकग्राउंड में कोई इस वीडियो की आवाज़ है तो, कोई साउंड है तो। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से प्ले होने लगी है, तो काफ़ी अच्छा जो है देखने को हमें मिल रहा है, काफ़ी अच्छी वीडियो जो है अब लग रही है। अब इस तरीके से वीडियो बना के आपको जो है कॉपी पेस्ट करके पैसे अर्न करने हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि अभी 13 सेकंड की ही सिर्फ वीडियो है, तो हम इसे एक और सेलेक्ट कर लेते हैं वीडियो को। हम थोड़ा सा इसे जो है वीडियो को आगे कर लेते हैं यहाँ पे। बट दोस्तों यहाँ पे हमें दोबारा से इसे जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी ले लिया है। अब जो लास्ट में हमने मीडिया फाइल से लिया था उसे डिलीट कर देते हैं, और बस आपको यहाँ से जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, और जो सॉन्ग है उसे भी आपको इंक्रीज़ कर देना है स्टार्टिंग तक। अब ये जो है 26 सेकंड की वीडियो हो चुकी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। अब इसे शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे आप, मतलब हर जगह इसे अपलोड कर देंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो इस तरीके से इस तरीके की वीडियोज़ में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो मैं प्ले करके देखता हूँ, तो ये देखो कितनी अच्छी वीडियो लग रही है। और इस तरीके की जो वीडियोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होती है, और इनमें काफ़ी जल्दी अर्निंग्स देखने को मिल जाती है। और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है कॉपी एंड पेस्ट करके पैसे कमाने का, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हो। और दोस्तों अगर इस तरीके की वीडियोज़ आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं ये थोड़ा सा मुझे नाम चेंज कर लेता हूँ, नाम मतलब यहाँ पे जो हमने लास्ट में जो टाइटल रखा था ये सो क्यूट या सो स्वीट रख देते हैं। तो यहाँ पे जो अच्छा लगे देखने में लोगों को, तो इस तरीके का आपको कोई भी एक टेक्स्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मैं ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, सो स्वीट। तो आप इस तरीके की जो है वीडियोस बना के कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर सकते हो। अब आपको आगे का क्या प्रोसेस है, और वीडियो आपकी कैसे वायरल होगी, किस तरीके से आप वीडियो वायरल करोगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब आप इसे जो है एक्सपोर्ट कर लोगे, तो यहाँ पे अभी इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आप इसे हाई में एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही जो है शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें बहुत ही कम जो है आपकी MB यूज़ होने वाली है। तो यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे हाई अल्ट्रा क्वालिटी में करके, ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, और इस तरीके से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। एक्सपोर्ट वीडियो होने के बाद आपको थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। तो थंबनेल के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बेबी कैट की इमेज डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मैं बेबी कैट सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एक इमेज आप अच्छी सी इमेज डाउनलोड करेंगे, जो भी इमेज आपको पसंद है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इमेज आ चुकी हैं बेबी कैट्स की, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर लगाए। वैसे तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अगर आप अपने वीडियो को ज़्यादा ही क्लिक बैट देना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो वीडियो में जो भी आपके कैट बेबीज़ कैट हैं, आप उनकी भी अगर इमेजेस वैसे के वैसे ही लगे रहने देते तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट आप अपनी इच्छा के अनुसार ही वीडियो में आप थंबनेल चाहें तो इस तरीके का लगा सकते हैं, या फिर जो वीडियो में आपके जो बताया गया वही थंबनेल लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज डाउनलोड करके आप थंबनेल के जो है थंबनेल लगा सकते हैं इमेज डाउनलोड करके। यहाँ से आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड इमेज, और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ और पैसे कमाओ।